बुक ऑफ मैजिक चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। मैं जादूगर अमरपुर राजीव आज एक नया जादू लेकर के आया हूँ। सबसे पहले मैं वो जादू आपको दिखाऊंगा, उसके बाद उसका रहस्य आपको बताऊंगा। तो चलिए दोस्तों, जादू की तरफ चलते हैं। अब इस जादू का रहस्य आपको बताने जा रहा हूं। इसके लिए आना चाहिए एक तो ये वैलेट और कुछ स्प्रिंग फ्लावर। इस वैलेट का 5 पॉकेट्स है, तो उसके लिए दो दो करके 10 स्प्रिंग फ्लावर चाहिए हमको। स्प्रिंग फ्लावर जो है, इसे फ्रेश करेंगे तो बिल्कुल पतला एक छोटा सा जगह पर दब जाएगा, और इसको छोड़ देंगे तो ये खुल जाएगा। इसे अब इसके बारे में डिटेल में मैं बाद में बताऊंगा, अभी इसको लोड करने का तरीका मैं बताता हूं आपको। सबसे पहले क्या करना है, इस वैलेट का सबसे लास्ट वाला जो पोर्शन है उसको खोल देना है। इसके बारे में बाद में बताऊंगा मैं। इसको लेकर के एक फ्लावर को रख दीजिए और बंद कर दीजिए, और दूसरा खोल दीजिए, उल्टा कर दीजिए, एक फ्लावर रख दीजिए, बंद कर दीजिए, अगला खोल दीजिए, उल्टा कर दीजिए, एक फ्लावर रख दीजिए, बंद, अगला खोलिए, उल्टा कर दीजिए, एक फ्लावर रख करके बंद। दो दो फ्लावर रख सकता है। फिर अगला पैकेट खोलिए, उल्टा कर दीजिए, एक फ्लावर रख दीजिए, बंद कर दीजिए, और ये लास्ट वाला जो पोर्शन है उसमें खाली छोड़ देना है। अब आपने इस तरह से दिखाना है वैलेट को, और इसको ऐसे रख करके बंद कर देना इसे, और थोड़ा जादू लगाइए। उस टाइम पर क्या कीजिए, इसको उल्टा कर दीजिए। यहां पर हमने खोला था, अब हम ऐसे ही खोलेंगे इसको। एक फूल आ जाएगा, इसको नीचे गिरा दीजिए, और वापस ऐसा नहीं बंद करना है, इसको जैसे ऊपर किया ऐसे बंद कर दीजिए। फिर जादू लगाइए, फिर खोल दीजिए, को नीचे गिरा दीजिए, उसी मोमेंट में आकर के ऐसा बंद कर दीजिए, और जादू डालिए, को निकाल दिए, फिर एक फूल, और फिर ऐसा बंद कर दीजिए, तो ये 5 जगह है, 5 एक में दो रखेंगे तो 10 फूल इसके अंदर लगा सकता है। 5 बार आप प्रोडक्शन कर सकते हैं। तो फ्लावर को लोड करने का तरीका बता दिया, उसको करने का तरीका बता दिया, अब इसको बनाने का तरीका क्या है वो देख लेते हैं। इसको एक बार खोल कर दिखाएंगे, आपको समझ में आ जाएगा। अब इस वैलेट का बनावट कैसा है मैं एक बार खोल कर दिखा देता हूं आपको।
इसके साइड में जो है ऐसे रिबन्स दोनों साइड में लपेटा हुआ है, तो उसको खोल देंगे तब भी आपको इसका बनावट समझ में आ जाएगा। इस तरह ये एक गत्ता है दोस्तों, इसके ऊपर ये जो ड्राइंग शीट का पेपर चिपकाया हुआ है, एक ड्राइंग शीट का पेपर का एक एंड यहां पर चिपकाया हुआ है और ये ऐसा लंबाई में आकर के दूसरा जो गत्ता है उसके ऊपर दूसरा एंड चिपकाया हुआ है। अब इसको किसी भी एक गत्ते के ऊपर ऐसे फोल्ड कर दीजिए और दूसरे गत्ते के ऊपर, जिस गत्ते के ऊपर आपने ये जो पेपर शीट फोल्ड नहीं किया वो गत्ते को लेना है और उसके ऊपर ये जो दोनों रिबन है उसको लपेट देना है। इस तरह जिस साइड के गत्ते के ऊपर पेपर फोल्ड किया है, दूसरे गत्ते के ऊपर ये जो रिबन को फोल्ड करना है। और अभी क्या होगा, इसको हम इस तरह से खोल पाएगा, पांच फोल्डिंग तक इसको खोल सकते ऐसे।